बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सालार खान यूट्यूब चैनल, वेयर टुडे वी डिस्कस सम एग्जांपल्स, वन एग्जांपल फ्रॉम द बुक, एंड दैट इज बेस्ड ऑन व्हाट, दैट इज बेस्ड ऑन द हेड टू टेल रूल। नंबर उसका है जी एग्जांपल नंबर 2.1। अब ये आप ग्राफिकली जो है ना ज़्यादा प्रॉपरली इधर बोर्ड के ऊपर ड्रॉ नहीं होगा, तो आई वुड रिकमेंड ड्राइंग इट ऑन अ ग्राफ पेपर ताकि आपको प्रॉपरली इसकी समझ आ सके। तो 2.1 एग्जांपल कह रहा है कि अ शिप लीव्स पोर्ट एंड ट्रेवल्स 200 किलोमीटर्स एट 30 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो सबसे पहले अगर आप इधर बनाते हैं एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो ये राइट साइड पे आपका ईस्ट होता है और चले अपवर्ड्स में नॉर्थ ले लेता हूं, तो कह रहा है कि 30 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ ईस्ट गया, तो ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 30 डिग्रीज गया, कितना गया जी 30, ये एंगल होगा जी 30 डिग्रीज और ये गया जी कितना 200 किलोमीटर ये गया। अब क्या कहता है कि इस पॉइंट पर देन इट चेंजेस डायरेक्शन एंड ट्रेवल्स 350 किलोमीटर्स इन अ डायरेक्शन 140 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब इससे ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 140 डिग्रीज पे 140 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इसका मतलब ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 140 डिग्रीज पे ये टर्न होता है। अगर मैं यहां पे एक रेफरेंस एक्सिस बनाऊं तो यहां से 140 डिग्रीज पे टर्न होके कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है जी, लेट से इधर जो है 350 किलोमीटर कवर करता है, और क्या है जी ये जो एंगल बना रहा है ये कितना है 140 डिग्रीज है। आपसे पूछ रहा है फाइंड द रिजल्टेंट, यानी टोटल जो डिस्प्लेसमेंट इसने कवर की, तो क्या वो डिस्प्लेसमेंट ये नहीं होगी बाय हेड टू टेल रूल, क्या ये रिजल्टेंट नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ग्राफ पेपर के ऊपर बनाए और इधर से देखे, रूलर से जब आप मेजर करेंगे तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आता है जी 340 किलोमीटर, और थीटा जो है वो आप मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटेक्टर इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, और ये ऑलमोस्ट आता है जी ये जो है 106 डिग्रीज है, 106 डिग्रीज ये है। अब ये इस तरह आपको समझ नहीं आएगी जी, क्योंकि इधर मैंने एक प्रॉपर स्केल नहीं लिया हुआ। आप एक पेज और पेंसिल उठाएं और रूलर और डी के साथ, और पहले आप क्या करें जी, पहले आप एक स्केल सेलेक्ट करें, सूटेबल स्केल, और वो स्केल क्या होगा जी कि आप कंसिडर करें, लेट सपोज आप सेंटीमीटर्स में जा रहे हैं, तो कंसिडर करें कि 1 सेंटीमीटर जो है वो रिप्रेजेंट करेगा कितने को, लेट सपोज 50 किलोमीटर आपके बुक ने लिया हुआ है, तो इसका मतलब मुझे 200 चाहिए, तो 200 डिवाइड बाय 50 इज 4, इसका मतलब है कि 4 सेंटीमीटर पर रिप्रेजेंट करेगा 200 किलोमीटर को, और फिर 7 सेंटीमीटर जो है तो वो रिप्रेजेंट करेगा 350 किलोमीटर को। तो देखिए, अभी ये मैंने इधर पेज के ऊपर बनाया हुआ है, आपको मैं इधर स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ जी, देखिए इधर स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है कि स्टेप नंबर 1 में मैंने क्या किया, स्केल तो मैंने ड्रॉ कर दिया। अब स्टेप नंबर 1 में मैंने किया ड्रॉ ए एंड बी, तो ए आपको 30 डिग्रीज पर गिवन था, ठीक है, तो स्केल के मुताबिक ए 4 सेंटीमीटर आ गया। फिर बी मैंने ड्रॉ किया जी 140 सेंटीमीटर के ऊपर 7 सेंटीमीटर का लाइन 140 डिग्रीज के ऊपर, ठीक हो गया जी ये। और फिर जो रिजल्टेंट है ब्लू कलर में मैंने ड्रॉ किया है, draw the resultant from the tail of the first जो कि origin है to the head of the last जो कि B का head है, ये आपका resultant आ गया जो blue color में है। अब इसका magnitude measure करें और क्या करें जी, इसका angle measure करें, तो magnitude जब आप ruler से measure करेंगे तो this would be 6.8 centimeters। तो 6.8 सेंटीमीटर जो है, तो हमने 1 सेंटीमीटर को 50 किलोमीटर लिया हुआ है, तो इसका मतलब 6.8 सेंटीमीटर जो है वो होगा 6.8 × 50 किलोमीटर विच वुड बी इक्वल टू 340 किलोमीटर। और सिमिलरली एंगल को आप देखें, एंगल भी मैंने डी से मेजर किया हुआ है विच इज 106 डिग्रीज। समझ आई जी, समझ आई। अब है जी आपका असाइनमेंट नंबर 2.1, असाइनमेंट नंबर 2.1,
ये भी इसी तरीके से है। क्या कह रहा है जी? An airplane is moving 120 meter per second velocity at an angle of 10 degrees with x-axis. तो x-axis के साथ 10 डिग्री के एंगल पर है, तो हम अगेन एक स्केल कंसीडर करते हैं और स्केल में मैं कहता हूं कि लेट सपोज 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 मीटर पर सेकंड को रिप्रेजेंट करेगा। तो क्या फिर 120 मीटर पर सेकंड को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या मुझे 12 सेंटीमीटर नहीं चाहिए होंगे? बिल्कुल चाहिए होंगे। तो देखिए आप 10 डिग्री, चले स्केल को आप पहले छोड़े, 10 डिग्रीज के ऊपर आप जो है ड्रॉ करें 120 यूनिट्स, 120 मीटर पर सेकंड। ये हो गया जी 120 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 10 डिग्रीज, ठीक हो गया जी। और एक क्रॉस विंड ब्लो कर रहा है 260 डिग्रीज विद एक्स एक्सिस, तो इस एक्स एक्सिस से 260 डिग्रीज पर क्रॉस विंड ब्लो कर रहा है एट 30 मीटर पर सेकंड, और ये इसके साथ एंगल बना रहा है 260 डिग्रीज। आपसे रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछ रहा है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगा? इन दोनों को ऐड करेंगे कि नहीं? तो इसको उठा के मैं यहां पे पुट करूंगा कि नहीं करूंगा? हेड टू टेल रूल, द हेड ऑफ द टेल ऑफ द सेकंड इज प्लेस्ड ऑन द हेड ऑफ द फर्स्ट। तो इसको मैं यहां से उठा के यहां पे पुट करूंगा जी, ये आ गया जी, ये आपका ठीक हो गया बिल्कुल। एंड द रिजल्टेंट इज ड्रॉन फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द लास्ट, ये आपका आ गया जी रिजल्टेंट वेलोसिटी। इसको आप मेजर करें तो रिजल्टेंट जो वेलोसिटी आपके पास आएगी वो क्या आएगी जी? मेरे ख्याल में जो है 114 मीटर पर सेकंड है, 114 मीटर पर सेकंड है, और ये जो एंगल है ये अप्रोक्सीमेटली 5 डिग्रीज है विद दिस एक्सिस। अभी आप स्केल के ऊपर करें, आप एक पेज और पेन उठाए जी और स्केल आप ले ले, लेट्स सपोज 1 सेंटीमीटर आपका रिप्रेजेंट कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड को, और जो 12 सेंटीमीटर तो 12 सेंटीमीटर 120 सेंटीमीटर पर सेकंड को रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली 30 मीटर पर सेकंड को रिप्रेजेंट करने के लिए आई वुड नीड व्हाट? आई वुड नीड 3 सेंटीमीटर, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब देखिए अपने स्क्रीन के ऊपर अगेन देखिए जी, स्केल मैंने लिखा हुआ है जी लेफ्ट साइड पे। अब क्या होगा, पहले तो मैंने ए एंड बी बना दिया अपने रिस्पेक्टिव एंगल्स के साथ। ए जो है वो वेलोसिटी है 12 सेंटीमीटर की, और जो रिप्रेजेंट करी है 120 मीटर पर सेकंड, और बी जो है 260 डिग्रीज के साथ 3 सेंटीमीटर है, जो कि विंड की वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड को रिप्रेजेंट कर रही है। अब आप क्या करें जी, मैंने इनको ऐड करना है, तो बी को मैंने उठा के ए के हेड के ऊपर रख दिया, और रिजल्टेंट मैंने जो है रेड कलर से ड्रॉ किया है, और फिर मैं मैग्नीट्यूड इसका फाइंड करता हूं और फिर एंगल। तो इस स्केल के मुताबिक जो मेरा मैग्नीट्यूड आता है जी रिजल्टेंट का स्केल के मुताबिक वो आता है जी 11.4 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली, 11.4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर तो 10 मीटर पर सेकंड है, तो इसका मतलब जो वेलोसिटी है रिजल्टेंट वेलोसिटी वो होगी 11.4 मल्टीप्लाइड बाई 10 विच वुड बी 114 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी। और थीटा जो आप मेजर कर रहे हैं, तो देखें विद द नियरेस्ट एक्स एक्सिस आप मेजर करें, ये जो स्मॉलर एंगल है ये 5 डिग्री आएगा, तो ये माइनस 5 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, बिल्कुल है। और आप लिख सकते हैं कि हमारा जो थीटा है वो 360 माइनस 5 डिग्री विच इज प्लस 355 डिग्रीज होगा इन द व्हाट डायरेक्शन? इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विच इज द प्रॉपर एंगल। और ये आपको जी दिखाई अपने स्क्रीन पर फाइनली दे रहा है। समझ आ गई जी? समझ आ गई। तो बस ये एक छोटा सा एग्जांपल था, ये एक छोटा सा असाइनमेंट था जी। इसके बाद मैं अगर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स की भी इधर बात करता हूं, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, तो आप क्या करते हैं जी, ये आपकी बुक ने लिखा हुआ है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स इज नॉट डायरेक्टली पॉसिबल, डायरेक्टली ये पॉसिबल नहीं है। एक बात और, ये ग्राफिकल मेथड है, हेड टू टेल रूल। तो देखिए ये जरा इंफॉर्मेशन आपको ज्यादा दे रहा है, हेड टू टेल रूल जो है, हेड टू टेल रूल, ये जरा सा जो ग्राफिकल मेथड है, ये एक ग्राफिकल मेथड है, ये आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, मोर इंफॉर्मेटिव। इसका मतलब ये देखिए प्रॉपर मैग्नीट्यूड, प्रॉपर डायरेक्शन जो है आपको दे रहा है कि ये यहां से गए, दूसरा वेलोसिटी इस एंगल पे है, ठीक है। तो प्रॉपर आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल रही है, लेकिन ये लेस एक्यूरेट है। और वो क्यों? क्यों? क्योंकि इधर आप जो है देखे हाथ से मेजरमेंट्स कर रहे हैं, तो इसमें ज़रा गलती की गुंजाइश है, ये एंगल आपसे गलत हो सकता है, एंगल आप मैग्नीट्यूड आप गलत रीड कर सकते हैं, एरर इसमें ज़रा चांसेस ज़्यादा है।
ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। सब्ट्रैक्शन के ऊपर आते हैं तो डायरेक्टली ये पॉसिबल नहीं है, a माइनस b अगर मैंने करना हो आप क्या करते हैं जी, आप ऐड करते हैं, ऐड द नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर विद द फर्स्ट, यानी ये आप एडिशन से ही करते हैं। मैं आपको अभी एग्जांपल से समझाता हूं। लेट सपोज एक वेक्टर है, ये a है, ये एक a वेक्टर है, ठीक है जी, और दूसरा वेक्टर है लेट सपोज ये b वेक्टर है, ठीक हो गए जी। अब a प्लस बी तो आपको पता है कि किस तरह होगा, a प्लस बी किस तरह होगा आपको पता है, लेकिन अगर मैं a माइनस बी करूंगा तो ये डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है बाय हेड टू टेल रूल। तो क्या करेंगे, एड द नेगेटिव ऑफ द वेक्टर विद द फर्स्ट। तो इसका मतलब है आप क्या करते हैं, a के साथ आप एड करते हैं प्लस द नेगेटिव ऑफ द फर्स्ट माइनस ऑफ b। अब माइनस ऑफ b क्या है जी, माइनस ऑफ b ये है जी, 180 डिग्री रिवर्स होगा कि नहीं, माइनस ऑफ बी, बिल्कुल। अब हेड टू टेल रूल से आप कर सकते हैं जी, और वो किस तरह होगा जी, वो होगा इस तरीके से, ये आपका ए वेक्टर हो गया, ठीक है, और माइनस ऑफ बी प्लस माइनस ऑफ बी, तो माइनस ऑफ बी को के टेल को आपने ए के हेड के ऊपर रख दिया है, विच वुड बी दिस वन, तो ये माइनस ऑफ बी है, और ये जो रिजल्टेंट जो आएगा विच वुड बी फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द लास्ट, तो ये रिजल्टेंट अब आपका एक्सप्रेस कर रहा है ए माइनस बी को। समझ आई, बिल्कुल आई। एक और छोटा टॉपिक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, तो ये अब किस तरह होता है, लेट्स से वो स्केलर नंबर k है, तो आप अगर k टाइम्स a करते हैं कोई वेक्टर, तो ये आपको आंसर में वेक्टर ही देगा, लेकिन अब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज होगा कि नहीं, तो वो डिपेंड करेगा ऑन द वैल्यू ऑफ k। अब k की वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू जो है k की वैल्यू जीरो हो सकती है, सो दिस वुड इंप्लाई व्हाट, k टाइम्स a, तो ये आपको दे देगा जी नल वेक्टर, ठीक हो गया, ये तो सिंपल बात। अब दूसरी जो कंडीशन है, तो k पॉजिटिव हो सकता है, तो k पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब है कि डायरेक्शन सेम ही रहेगी वेक्टर की, डायरेक्शन सेम ही रहेगी, और मैग्नीट्यूड के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, तो मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा कि k का जो मैग्नीट्यूड है वो लेस देन वन है या फिर ग्रेटर देन वन है। तो अगर ग्रेटर देन वन है तो मैग्नीट्यूड आपका इंक्रीज होगा, और लेस देन वन है तो आपका मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा। किस तरह होगा जी, तो आपको दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक वेक्टर है लेट से ए, ये एक वेक्टर है ए, अब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, तो 2 टाइम्स ए होगा, इसका मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स हो जाएगा, और ये पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, 2 टाइम्स ए, डायरेक्शन सेम रहेगी और मैग्नीट्यूड इसका बढ़ गया। सिमिलरली अगर k का मैग्नीट्यूड लेस देन 1 है, अगर मैं 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं 0.5a, तो इसका मैग्नीट्यूड अब हाफ हो जाएगा ओरिजिनल a के मुकाबले में। तो देखिए, k ग्रेटर देन 0 है दोनों केसेस में, मैग्नीट्यूड 1 है तो इंक्रीज, मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 है तो मैग्नीट्यूड इंक्रीज हुआ, लेस देन 1 है तो मैग्नीट्यूड डिक्रीज हुआ, डायरेक्शन सेम ही रहा अगर k ग्रेटर देन 0 है। तीसरा केस जो है, तो k या तो 0 हो सकता है या k ग्रेटर देन 0 हो सकता है या फिर k लेस देन 0 हो सकता है, इसमें आपका डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा जी, डायरेक्शन सबसे पहले रिवर्स हो जाएगा जरूर, और मैग्नीट्यूड के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, तो दैट वुड अगेन डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वैल्यू ऑफ k। अगर k का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 है तो मैग्नीट्यूड अगेन इंक्रीज होगा, लेस देन 1 है तो मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा। किस तरह जी, लेट सपोज ये है एक वेक्टर a, एक वेक्टर a है, आपने इसको माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये इसका मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा और डायरेक्शन ऑपोजिट, तो 2 टाइम्स a मैग्नीट्यूड डबल और माइनस 2 टाइम्स a डायरेक्शन रिवर्स। मैग्नीट्यूड अगर लेस देन 1 है k का, जिसका मतलब 0.5 टाइम्स a, तो इसका मैग्नीट्यूड हाफ हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू a, और अगर ये k लेस देन 0 माइनस 0.5 टाइम्स a, तो इसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। समझ आई, बिल्कुल आई।
एग्जाम्पल और असाइनमेंट आप जरा ग्राफ पेपर या सिंपल पेपर के ऊपर रूलर और डी लेके करें, आपको समझ आ जाएगी। सब्ट्रैक्शन डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, आप एक वेक्टर जो दूसरा वेक्टर जिसको आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसका नेगेटिव लेते हैं और पहले वाले के साथ आप ऐड करते हैं, ठीक है जी। और फिर मल्टीप्लीकेशन बाय वेक्टर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर, ये आपको देगा जी वेक्टर, वेक्टर देगा लेकिन डिपेंड करेगा, तीन केसेस है जी, या तो के जीरो होगा या ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो। ऑफ कोर्स अगर ग्रेटर देन जीरो है डायरेक्शन सेम रहेगा, लेस देन जीरो है डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। अगर के का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन वन है तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा, अगर के का मैग्नीट्यूड लेस देन वन है रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा। ये सिंपल से बातें थी जी, आपसे मिलेंगे जी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम मेरे ख्याल में डिस्कस करेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स और फिर उसके बाद एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो एनीवे जो भी टॉपिक है जी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।